सबसे पहले हम क्लाउ ऑयल की रेसिपी देखेंगे। मिनिमम 50 टू 60 के अराउंड मैं यहाँ पर लौंग ले रही हूँ। अब हम इस लौंग को लाइट से क्रश करेंगे, कंप्लीट से पाउडर नहीं और साबित लौंग नहीं, कच्चा पक्का इसका पाउडर बनाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, ये क्लाउ ऑयल होममेड ऑयल होगा। आज हम इस वीडियो में इस ऑयल के थ्रू हेन्ना रेसिपी देखेंगे, बट ये ऑयल आपको हेन्ना रेसिपी के सिवा अदर पर्पस भी यूज होगा। जैसे कि हम इस ऑयल को बालों पर लगा सकते हैं हेयर ग्रोथ के लिए, इस ऑयल को हम जॉइंट पेन्स के लिए, दांतों पर, जबान पर, कहीं भी पेन होगा तो इस ऑयल को हम यूज कर सकते हैं। ये भी आप लोगों की फरमाइश थी कि लौंग का तेल हम घर पर ही प्रिपेयर कर सकते हैं क्या मेहंदी रेसिपी के लिए। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि यूकलिप्टस ऑयल यानी नीलगिरी ऑयल हर एक के स्किन को सूटेबल नहीं होता, इसीलिए आज हम हेन्ना रेसिपी भी देखेंगे। उसके अंदर हम नीलगिरी ऑयल का यूज नहीं करेंगे, उसके रिप्लेस में ये प्रिपेयर किया हुआ क्लाउ ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो देखे, क्रंची पाउडर बनाया है मैंने। सेकंड हमारा इंग्रेडिएंट होगा, यस, ये है मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो इसके रिप्लेस में आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो ऑयल्स चाहे आप यूज कर सकते हैं, बट हेन्ना रेसिपी के लिए अगर आप प्रेफर कर रहे हैं तो मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। इसको हम डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे। इस तरह एक नॉनस्टिक पैन ले लीजिए, वाटर ऐड कर दीजिए, उसके अंदर हमारा ऑयल वाला बाउल रख दीजिए और जो हमने क्रंची पाउडर बनाया था लौंग का उसके अंदर डाल देंगे। हम लो फ्लेम पर रखना होगा। इसको थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम लगेगा, यानी एक 15 से 20 मिनट के लिए इसका टाइम लगेगा। इस प्रोसेस को हम डायरेक्ट बॉईल नहीं करते, डबल बॉइलिंग करना होगा। 15 से 20 मिनट के बाद ये देखें, जो वाटर वाला बाउल है यानी हमारा नॉनस्टिक पैन, उसके अंदर उबाल आ रही है, तो यानी हीट हमारे ऑयल के अंदर भी आ रही है। जो हमारा लौंग का मिक्सचर रहेगा वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं। यस, कंप्लीट से ठंडा होने के बाद ये देखें, मैं यहाँ पर एक जार ले रही हूँ, छोटा सा ग्लास जार ले रही हूँ, इसके अंदर हम स्टोर करेंगे। बट पहले हम ऑयल को स्ट्रेन करेंगे। मैं यहाँ पर कॉटन का एक मसलिन क्लॉथ ले रही हूँ, जिसकी वजह से जो भी ऑयल्स रहे अच्छे से स्ट्रेन हो जाते हैं। इस ऑयल को हम इमीडिएटली यूज नहीं करना चाहिए, इसको हम मिनिमम एक 1 वीक के लिए, अगर आपके पास टाइम नहीं रहा तो कम से कम 2 दिन के लिए हम इसको जार में ऐसे ही रखेंगे, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। लौंग के तेल के वैसे ही जनरली बहुत सारे फायदे होते हैं, और मेहंदी के लिए तो स्पेशली इसे हमारा मेहंदी का स्टेन डार्क आने के 100% चांसेस होते हैं। और हाँ, आप लोग देखे ही होंगे, मेहंदी का स्टेन डार्क आने के लिए हम ब्राइडल्स को मेहंदी लगाने के बाद सजेस्ट करते हैं कि लौंग का भाप ले लीजिए, इसका स्मोक अपने हाथों पर ले लीजिए, जिसकी वजह से हमारा हेन्ना स्टेन डार्क होता है। तो ये है हमारा प्योर ओरिजिनल होममेड क्लाउ ऑयल। इसके अंदर 1 से 2 बस इस तरह लौंग डालकर हम इसको अच्छे से कैप लगा के 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 डेज के बाद हम इसकी रेसिपी हेन्ना में यूज करके देखेंगे। इसको ऐसे ही रख दे, फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है। यस दोस्तों, हेन्ना रेसिपी प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैं डिकॉशन प्रिपेयर कर रही हूँ। आप जानते ही हैं कि जब हम नीलगिरी, यूकलिप्टस ऑयल, टी ट्री ऑयल यानी जो भी अदर ऑयल्स हेन्ना के रिलेटेड डार्क स्टेन आने के लिए हम यूज नहीं करना चाहते, हमें पसंद नहीं है, तो तब हम पानी यानी वाटर के रिप्लेस में मस्ट एंड शुड टी डिकॉशन या कॉफी डिकॉशन का इस्तेमाल करना होता है। तो ये डिकॉशन ठंडा होने तक आप रेसिपी देख लीजिए। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 स्पून हेन्ना पाउडर। जो हमने स्पून इस्तेमाल कर रहे हैं वही स्पून ऑल मेजरमेंट्स के लिए यूज करें। तो वही स्पून से हमें लेना होगा 1 स्पून शुगर, और ये है हमने प्रिपेयर किया हुआ था लौंग क्लाउ ऑयल, जो हमारा हेन्ना का आज सीक्रेट बनेगा।
तो चलिए एक स्पून हमें क्लाउ ऑयल ऐड करना होगा। आप थोड़ी क्वांटिटी में ही बना के रख लीजिए, बट बहुत बार यानी नंबर ऑफ टाइम्स आपको यूज होगा। तो देखें मिक्स करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने जो प्रिपेयर किया हुआ था कॉफी एंड टी का डिकॉशन। आप लोग पूछ रहे थे कि क्या जोया दीदी आप कॉफी पाउडर भी यूज करते हैं डिकॉशन में और टी पाउडर भी यूज करते हैं, तो बस यही दोस्तों के दोनों का इफेक्ट भी बहुत अच्छा रहेगा हेन्ना रेसिपीज में। इसीलिए मैं कंप्लीट से टी पाउडर भी नहीं, कंप्लीट से कॉफी पाउडर भी नहीं, थोड़ा ये क्वांटिटी में थोड़ा वो क्वांटिटी दो भी मिक्स करके प्रिपेयर करती हूँ। तो चलिए इसको सेट होने के लिए 5 से 6 घंटे साइड में रखेंगे, कौन सा भी एक लिड कवर करके। यस, 5 से 6 घंटे के बाद ये देखें पेस्ट हमारा स्मूथ एंड सिल्की हो जाता है। चाहे आप जो ऑयल से ऐड करो, जैसे भी नॉर्मल हेन्ना रेसिपी प्रिपेयर करो, बट हेन्ना को थोड़ा सा सेट होने के लिए, डाई रिलीज करने के लिए, तो देखें पेस्ट कितना स्मूथ एंड सिल्की बन गया। इस तरह होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब मैं आप लोगों को इसका स्टेन बताऊंगी लगा के अपने हाथ पर। बहुत जल्द ईद आने वाली है, यानी रमजान की ईद आने वाली है, तो आप लोगों को ये रेसिपी बहुत यूज होगी। जो कोई भी अदर्स ऑयल्स एसेंशियल्स ऑयल्स यूज नहीं करते उनके लिए। हाँ जी, जस्ट 10 मिनट्स के बाद, 10 मिनट के बाद देखें मेहंदी अभी सूखी भी नहीं, उसका स्टेन देखें आप, जस्ट 5 से 10 मिनट हो गए। तो मैं भी देखना चाह रही थी कि इसका स्टेन किस तरह आएगा। देखें जो भी फ्रेश स्टेन इस तरह लाइट ऑरेंज में आएगा वो परफेक्ट हेन्ना रेसिपी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आप लोगों को यूजफुल दिखा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।